फैक्ट नंबर एक, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में भारतीय सेना के एक ऑफिसर की सबसे अहम भूमिका थी, जिस पर अभी विकी कौशल अभिनीत सैम बहादुर मूवी भी रिलीज हो रही है। क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। सैम मानेकशॉ के बचपन से ही बहुत नीडर और बहादुर होने की वजह से उनके चाहने वाले उन्हें सैम बहादुर के नाम से पुकारते थे, लेकिन उनका असली नाम हॉर्मुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने जब इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने गुस्से में इंडियन आर्मी का फॉर्म भर दिया और वो सेलेक्ट भी हो गए। उन्होंने अपने 40 साल के आर्मी करियर में कुल 5 युद्ध लड़े थे। साल 1971 में जब बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करके सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसे सैम मानेकशॉ ही लीड कर रहे थे। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद देश बना था। गाइस नंबर दो, भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 302 रनों के बड़े मार्जिन से हरा के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है, पर भारत की इस जीत में एक गेंदबाज शेर की तरह दहाड़ा, जिसे सिर्फ लास्ट के 3 मैचों में पांड्या के चोटिल होने पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। लेकिन इन्हीं 3 मैचों में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ कुल 14 विकेट चटका के वो 2 बार 5 विकेट होल भी ले चुका है। उस शेर का नाम है मोहम्मद शमी, जिन्हें कभी घरेलू कलह के चलते तो कभी बेबुनियाद आरोपों की वजह से टीम से बाहर बिठा कर रखा गया था। शमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनका जीने से ही मन भर गया था, लेकिन फिर इस बंदे ने किया इतना तगड़ा कमबैक कि आज वो वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 मैचों में सर्वाधिक 45 विकेट लेकर भारत का चोटी का गेंदबाज बन गया है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो गाइस, हमारे शमी भाई के लिए एक हार्ट तो बनता है।